जिला परिषद काडर के कर्मचारियों ने प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी को ज्ञापन सौंप कर कर्मचारियों को विभाग में विलय करने की मांग की है, जिस पर सूरत नेगी ने इस पूरे मामले को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी अध्यक्ष ने कहा, सरकार की तरफ से समय समय पर जारी जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर काम करने का काम इन कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, मगर फिर भी उन्हें सरकारी कर्मचारी न मानते हुए संस्था का कर्मचारी माना जाता रहा है। उन्होंने कहा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि सहित कई अन्य विभागों की सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम काडर कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पूर्ण रूप से मिल सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंद्र नेगी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर वन मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं सुहाना लेटका, मिस हिमाचल 2020 की सेकंड रनर। मेरी ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि ये नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए। वेल, ऐसी ही बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है दिव्य हिमाचल, और उनमें से एक है मिस हिमाचल। मिस हिमाचल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे एक आइडेंटिटी दी है। इट हेल्प मी एक्सप्लोर माई एक्सट्रीम पोटेंशियल, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी यंग गर्ल्स हैं हिमाचल की, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाए। तो आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मिस हिमाचल 2021 इज कमिंग। ऑल्सो टू ऑल दी एस्पायरिंग गर्ल्स, जस्ट गियर अप एंड दी ऑडिशंस आर कमिंग वेरी सून। आप लोग कनेक्टेड रहिए, ट्यून्ड रहिए टू द ऑफिशियल दिव्य हिमाचल एंड मिस हिमाचल पेजेस फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।